दोस्तों अभी आपके सामने है स्कॉर्पियो क्लासिक जो नई वाली है और ये ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर में बहुत ही डिमांड चल रही है और आप मेरे को बताएं एक बात, ये कौन सा वेरिएंट होगा? जरा आपको भी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना कि यार इसमें ग्रिल जो है क्रोम में नहीं दी गई है और जो है नीचे के जो क्लैडिंग पार्ट है या फिर बम्पर पार्ट है ये इसमें ग्लॉसी में दिया गया है, थोड़ा जो है पहचानने में वो रहा होगा ना। तो ये दोस्तों इसका सबसे बेस वेरिएंट है, लेकिन लग नहीं रहा है बिल्कुल भी बेस वेरिएंट है। और ख़ासकर अब स्कॉर्पियो क्लासिक की ना ऐसी डिमांड चली है कि कई डीलरशिप वालों ने तो एक तरीके से ना कुछ टाइम के लिए जो है इसकी बुकिंग लेना भी बंद कर दिया गया है। तो इतनी डिमांड कह सकते ना अब भी इसकी बरकरार है, वो भी जो है सोचना पड़ेगा कि मतलब रुतबा अब भी कायम है इसका। और फिर जो अपडेट किया गया है उसमें वो भी काफ़ी अच्छा खासा किया गया है। तो क्या क्या अपडेट है वो भी दिखाऊंगा आपको। इसमें सबसे बड़ा तो इंजन में किया है, काफ़ी कम हो चुका है वाइब्रेशन और जो है सस्पेंशन इसके ट्यून अप किए गए हैं। तो इसकी जो एक शोरूम रहती है ना दोस्तों वो रहती है सबसे बेस की बता रहा हूँ मैं, अब तो बेस भी मिल जा रहा है तो लोग ऐसा जो है टॉप बना के ले रहे हैं। इसमें देखिए ये पूरा जो है ग्लॉसी ब्लैक करवा दिया गया पेंट जो कि इसके बॉडी कलर की तरह है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं बताऊँगा क्या क्या कराया गया है। तो इसकी एक शोरूम रहती है सबसे बेस की एस की जो है 12 लाख रुपये। दो ही वेरियंट आते हैं एस और S11। S11 जाता है वही 15.5 लाख का एक शोरूम में और ये बेस आपको जो है ऑन रोड जाते आते 14.5-14.70-80 के आसपास पड़ सकता है। ऑन रोड प्राइस थोड़ी रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वैसे इसकी एक शोरूम रहती है 12 लाख रुपये। और शोरूम से आप इसे थोड़ा ऐसा ना टॉप वाला कुछ टॉप के आसपास जो है ऐसा लुक जो है उसे आप दे सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ नया लोगो क्रोम में ही मिलता है, बाकी फ्रंट में बेस में कोई भी ग्रिल क्रोम में नहीं मिलेगी, ये ग्लॉस में दी गई है, अच्छी भी लग रही है। और जैसे ही आप यहाँ देखते हैं हेलोजन में हेडलैम्प देखने को मिलेंगी, दो सेटअप मिल जाएंगे लो और हाई के लिए। और यहाँ पे एक तरीके से फेक टाइप की जो है आईब्रो आपको क्रोम में देखने को मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता इसमें। नीचे फॉग लैंप्स भी नहीं रहेंगे और ये जो चीज़ आती है ना ये देखिए ये इसमें पूरी ग्लॉसी ब्लैक कर दी गई है डीलरशिप से ही, तो ये आप करवा सकते हैं, अच्छा भी लगता है ये। और नीचे जो स्किड प्लेट है ये जो है इस तरीके से ये ब्लैक में आती है, ये पूरा जो है आपका सिल्वर में पेंट कर दिया गया जो कि बहुत ही अच्छा खासा लग रहा है। और ये हुड स्कूप तो सबसे प्यारा लगता है स्कॉर्पियो में अगर मैं बात करूं। बीच में एक वॉशर यूनिट, दो वाइपर्स आपको इसमें प्रॉपर मिल जाते हैं। जैसे ही साइड सेक्शन की ओर आएंगे ये मतलब यार ये लग रही है एकदम कह सकते हैं ना बेस मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये। इसमें मिलते हैं आपको ब्रिज स्टोन के टायर स्टील लिम के साथ में, प्रोफाइल जो रहता है 235/65/17 का जो कि आप ये देख रहे हैं। साइड स्टेप नहीं लगे हैं, फुट स्टेप, तो इससे इसमें ऐसा लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। वैसे तो 180 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस आता है। साइड फेंडर पे इस बार अब आपको जो है इंडिकेटर मिलेगा, ORBM हाथ से ही जो है एडजस्ट करने हैं, हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे आपको इस तरीके से। ये भी मैट में नहीं जो है मैट में नहीं आते हैं कंपनी से ही, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी हेडरूम बहुत अच्छा खासा मिल जाता है इस गाड़ी में आपको स्कॉर्पियो N से भी बहुत अच्छा खासा। और बाकी बॉडी ऑन फ्रेम पे जो है बेस रहती है। ये रियर से देखेंगे तो रियर में लग चुके हैं इसमें स्पॉइलर एकदम लाइट वाले और जो है ऊपर जो है आपको इसकी टाइप के ऐसे रूफ रेल्स लगे गए हैं, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। रियर में टेल लैंप्स कुछ ऐसी रहती हैं इस तरीके से, यहाँ से टॉप एंड वेरिएंट की तरह पीछे आपको लोगो मिल जाएगा नया, ये बम्पर गार्ड लगा रखा है पीछे, ये सारा कुछ जो है पूरा ग्लॉस ब्लैक में हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्कॉर्पियो क्लासिक एस की जो है बैजिंग। और रियर से आप देखेंगे तो रियर से ऐसे कुछ जम सीट आपको मिल जाती हैं, ऐसी कुछ रहती हैं ये सारा कुछ आपको थोड़ा सॉफ्ट टच में। इंटीरियर इस बार आप जो है बीच कलर में दिया गया जो कि अच्छा लग रहा है। ये पूरी जो है आपकी 7 सीटर रहेगी ऐसी, यहाँ से आप जो है मैन्युअली भी आप ओपन कर सकते हैं फ्यूल और जो है DEF जो कि जो है आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड जो कि डल रहा है आजकल डीजल गाड़ियों में, तो ये तो डलवाना ज़रूरी है। अब ज़रा इंटीरियर की ओर चलेंगे, बाकी इसमें तो ज़्यादातर यही मेरे को लग रहा है, ये तो रूफ रेल्स हो गई और पीछे स्पॉइलर और ये चीज़ें ही लगाई गई हैं, बाकी तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम इसमें करा नहीं गया है। बाकी तो आप आपका बजट है तो आप इसमें अलॉय व्हील्स ही लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा अलॉय व्हील्स प्लांट जो है डीलरशिप से ही कंपनी के ही लगवाएं, आफ्टर मार्केट का कोई भरोसा ही नहीं होता कब चलें कब ना चलें। बाकी सीट इसमें एक तरीके से ऐसी सेमी लेदरेड रैक्सिन टाइप की आती हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी। इसमें सेंटर रिमोट लॉकिंग नहीं मिलती है, दो चाबियां मिलेंगी, मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी इसमें आपको जो कि आपको मैनुअली जो है ऐसे लॉक अनलॉक करनी पड़ेगी, तो ये आप जो है करवा सकते हैं सेंटर रिमोट लॉकिंग भी अगर आप करवाना चाहें। तो यहाँ से आप जैसी देखेंगे
तो आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से फ्यूल लिड ओपन कर लेंगे आप और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप, इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं है ये। बाकी स्टेयरिंग कुछ ऐसा रहता है, पावर स्टेयरिंग रहेगा, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है ये, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। बाकी ये तो सारा कुछ बेसिक है। डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बीच में, नया महिंद्रा का लोगो। और ये देखिए, ये इसका रहता है 6 स्पीड का ट्रांसमिशन। और पहले ये बहुत हिलता था यार, जब जैसी गाड़ी स्टार्ट होती थी ना तो ये बहुत हिला करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हिलता। एक बार मैं स्टार्ट करूं, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हिला, गाड़ी स्टार्ट हो गई है जब। तो ये बहुत अच्छा खासा कह सकते हैं थार वाला इंजन। देखिए इसमें रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। मीटर कंसोल आप देख रहे हैं कुछ ऐसा रहेगा इसका, वही बीच में MID नेगेटिव डिस्प्ले के साथ में मिलेगी। टेम्परेचर, फ्यूल गार्ड, ट्रिप ए ट्रिप भी, ये सारी चीज़ इसमें बताता है। बाकी एनालॉग में आपको जो है RPM और स्पीडोमीटर मिलने वाला है। AC नॉर्मली आपको यहाँ पर दे दिया जाता है, और 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट, और ये चारों पावर विंडो मिलती है इसे सेंटर कंसोल में। और रियर में AC विंड भी आपको मिल जाता है, और सीटें बहुत चौड़ी चौड़ी रहती हैं। अंदर थाई सपोर्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, और ऐसा है पूरा इंटीरियर। तो ये थी दोस्तों स्कॉर्पियो क्लासिक, सबसे बेस वेरिएंट है, जो कि आपको एक तरीके से टॉप ही लग रहा होगा, मेरे को भी टॉप ही लग रहा है। और इसके बहुत कह सकते हैं ना, अभी डिमांड बहुत कह सकते हैं, पब्लिक में बहुत चल रही है, लेकिन थोड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी कम होने के कारण इतना जो है जल्दी जल्दी फटाफट से महिंद्रा इसे अवेलेबल नहीं करा पा रही। लेकिन फिर भी जिसे चाहिए वो रुक रहा है, इंतज़ार कर रहा है, फिर जाके आराम से उसकी डिमांड पूरी हो रही है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट भी मिल रहा है ना, तो आप ऐसे इसे टॉप की तरह जो है आप बनवा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।